रिवाज चिकन करोना, ईद का मजा किरकिरा करने पर तुल गया। ईद पर हाथ मिलाना मुमकिन होगा ना ही गले मिलकर मुबारकबाद दी जा सकेगी। हुकूमत ने ईद के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है, लेकिन कोरोना वायरस को रस्म दुनिया की फिक्र है और ना ही किसी दस्तूर को मानने को तैयार है। यूं लगता है कि इस बार कोरोना ने मीठी ईद को फीका करने का पुख्ता इरादा कर रखा है। शायद उसने हबीब जालिब की ये नज़म सुन रखी है। वो जो सावे में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, इस बार तो ना ईद उल फितर पर नए नोटों की करकराहट सुनाई देगी और ना गर्म जोशी के साथ गले मिलने के मनाजिर दिखाई देंगे, बल्कि यूं लगता है कि इस बार ईद पर रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ईद की मुबारकबाद कई फीट दूर रहकर ही देंगे और आपके जज्बात सिर्फ गाने की हद तक ही रह जाएंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर लोगों का गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर बाकायदा पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ ईद के बड़े इज्तिमात पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इससे कबल स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट जारी न करने का ऐलान कर रखा है, जिसके बायस इस बार बच्चों को करारे नोटों की ईदी नहीं मिलेगी। यूं लगता है कि इस बार कोरोना ने मीठी ईद को फीका करने का पुख्ता इरादा कर रखा है।